आई कैन से साइली ही नेहा है, नेहा ही साइली है बिकॉज अरे नहीं मेरे पास चार भाई बहन है और चार भाई बहन, तू चौथी है ना, मतलब चार टोटल और जो और जो साइली है वो भी तीन भाई बहन है जाओगे और जो साइली है और जो साइली है वो भी तीन भाई बहन है. आई फील कि साइली का टेक सचिन के लिए इरिटेटिंग क्यों है, क्योंकि उसके घर में वैसा कोई नहीं था, कोई रफ, मतलब साइली ने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा. हाँ, तो उसकी वजह से शी गेट्स वेरी इरिटेटेड. तो उसको उसकी बैक स्टोरी नहीं पता कि क्या उसके पीछे चल रहा था या वो सीन में क्या हुआ. सो बस ऐसे ही प्यार करते रहे और हम जस्टिफाई करें हमारे कैरेक्टर्स एंड प्रोमोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई मीन बहुत ही अलग लेवल फीडबैक है. हाय, आई एम नेहा हरसोरा. हाय, दिस इज कमर ढिल्लन. आपका अपना सचिन समझे गया. सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. शो के बारे में कुछ अगर आप बता सके, आपके कैरेक्टर के बारे में. आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए. सीधा शुरू करते हैं. आपके शो के बारे में जानना चाहूंगा कि किस तरह का शो है. काफी प्रोमो बेहतरीन लग रहा है, उसके बारे में बताइए. शो के बारे में हम ये कहेंगे कि साइली और सचिन की कहानी है, जो कि मुंबई की है, महाराष्ट्र की कहानी है. तो हमने काफ़ी शूट किया है मुंबई में, तो मुंबई के लोग काफ़ी रिलेट कर पाएंगे और काफ़ी मेहनत की है सचिन और साइली ने. स्टोरी का बैकग्राउंड दे तो साइली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ उसका एवरीडे ही स्ट्रगल होता है. आज जो पैसे कमाए हैं उससे घर का राशन भरता है, उससे भाई बहनों की पढ़ाई होती है, बाबा की हेल्प होती है, दवाई का खर्चा. तो उसका एक अलग ही स्ट्रगल है जो एवरीडे का होता है. एंड उसके भी ड्रीम्स है कि उसकी एक बड़ी फूलों की दुकान हो, जैसे उसने प्रोमो में भी कहा था. तो आपको ये भी देखने में लगा कि उसकी खुद की भी एक ड्रीम है, पर वो पूरा नहीं कर पा रही है अभी के लिए, बिकॉज शी हैज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और सचिन, आप बताइए आपका. हाँ, तो हम किरदार के बारे में तो जैसे साइली ने बताया, साइली की कहानी और सचिन यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जहाँ इसके फादर एक लोको पायलट हैं, ट्रेन चलाते हैं. और सचिन बहुत ही रफ अपब्रिंगिंग से गुजरा है, जहाँ इसे माँ का प्यार बिल्कुल नहीं मिला है. और ये इतना टेढ़ा और इतना रफ क्यों है, इतना मुफट क्यों है, इसके पीछे भी ये कहानी है. ये आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा. और सचिन का एक ही सपना है, छोटा सपना है, कि भाई अखिल मुंबई में मेरी टैक्सी राज करेगी, मेरी टैक्सी चलेंगी. और मतलब सचिन का ये सपना है कि वो बिजनेस, इसका कभी ना कभी ये सपना पूरा होगा. तो यहाँ साइली है, जिसकी एक फूल की दुकान चलाने का बिजनेस एक सपना है. और यहाँ सचिन, जिसे अपनी टैक्सी सर्विस शुरू करनी है मुंबई में. तो दो सिंपल सिंपल लोग हैं, सिंपल सिंपल सपने हैं, पर इनकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन है. अब वो लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस कैसे सॉल्व होती हैं और उससे कितनी अड़चनें आती हैं, वो मुझे लगता है वो जो सब सारी प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी रिलेटेबल है लोगों के साथ. कि एवरी डे, या आप कह सकते हैं एवरी मंथ, हर मिडिल क्लास इंसान इस देश में, शहर में लाइफ इश्यूज फेस करता है. सो आई थिंक वो देखेंगे तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत ही अच्छा होगा दोनों कैरेक्टर्स के साथ, दोनों किरदार के साथ. आप दोनों ने एक साथ काम किया, कैसा रहा आप दोनों के साथ एक्सपीरियंस, थोड़ा अगर आप शेयर करना चाहें कैसा रहा सेट का माहौल वो बताइए. काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहा है हमारा शो का और सेट का माहौल. एज यू ऑल कैन नो, आई मीन सी, सचिन ब्रांड कवर है, कवर सचिन है. तो फिर क्या उसके बिना तो क्या ही काम, उसके बिना क्या ही टेंशन है. तो फिर सब स्मूथ है, सब सही है, हमारे डायरेक्टर सही है, हमारा प्रोडक्शन सही है, राहुल सर ने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड किया हमें, जो बहुत ही कंफर्टेबल हमें फील कराता है, जिसकी वजह से हम अच्छा एक्ट कर पाते हैं आई कैन से. और डायरेक्टर है हमारे, जिन्होंने हमें भी कंफर्टेबल दिया है, काफ़ी जिस्ट दिया है हमारे कैरेक्टर के बारे में. जो टीम है ना, टीम बहुत ही यूनाइटेड है और बहुत ही मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट बने. टीम वर्क है हमारा, एक असली टीम वर्क है, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू आवर प्रोड्यूसर राहुल सर, फ्रॉम द चैनल. साइली ही नेहा है, नेहा ही साइली है बिकॉज अरे नहीं मेरे पास चार भाई बहन है और चार भाई बहन, तू चौथी है ना, मतलब चार टोटल. और जो और जो साइली है वो भी तीन भाई बहन है जाओगे.
और जो साइली है वो भी तीन भाई बहन है. साइली इज द एल्डर डॉटर, सेम गोज टू नेहा. और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फैमिली की कि यू नो बहुत सारी चीज़ें होल्ड करनी है टुगेदर. क्योंकि जो बड़ा भाई बहन होता है घर का वो मेक श्योर करता है कि उसके बाकी सब भाई बहन भी वैसे ही रहे, अच्छे से अच्छे मैनरिज्म फॉलो करें, अच्छे रूल्स फॉलो करें घर के. तो वही कोशिश बनी रहती है साइली और नेहा की कि घर एक साथ बना रहे. ओके, आखिर में क्या कहना चाहिए फैंस को, क्या कहना चाहिए? सेकंड प्रोमो को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, तो सचिन एंड साइली क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीकियों को देखा गया है उस प्रोमो में. आई फील कि साइली का टेक सचिन के लिए इरिटेटिंग क्यों है, क्योंकि उसके घर में वैसा कोई नहीं था, कोई रफ, मतलब साइली ने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा. हाँ, तो उसकी वजह से शी गेट्स वेरी इरिटेटेड. तो उसको उसकी बैक स्टोरी नहीं पता कि क्या उसके पीछे चल रहा था या वो सीन में क्या हुआ था. हमेशा क्लाइमेक्स के टाइम पे पहुंचती है साइली, देखते कि कुछ ना कुछ गलत, मतलब अगर किसी की मदद भी कर रहा है ना, किसी अच्छे इंसान की मदद भी कर रहा है ना, और उसके लिए किसी थर्ड इंसान को मार रहा है, तो ये तभी वहां से टपके की फूल की टोकरी लेके जब वो एक्चुअली किसी को मार रहा है, उसके आगे पीछे क्या हुआ इसको पता ही नहीं. तभी मेरे लिए बदतमीज, और बोलते ना कि ऐसा ही लड़का है, कितना गंदा है गंदा, और उसके साथ ही मेरा पाला पड़ता है. तो वो कैसे हमारा स्टोरी आगे बढ़ता है वो हमें देखने मिलेगा, वो केमिस्ट्री में देखने मिलेगा. सो लास्टली, फैंस ने बहुत प्यार दिया है, आगे भी देने वाले हैं, तो उस फैंस के लिए दो शब्द अगर कहना चाहते हो. यार आई थिंक दो शब्द में कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जिस हिसाब का प्यार मिल रहा है और जो फीडबैक मिल रहा है उसके लिए एक्चुअली कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं. ऐसा फीडबैक है, यू नो दो शब्द में तो कहना बहुत ही मुश्किल है. बस यही कहना चाहूँगा कि जितना प्यार हमारे प्रोमोस को मिल रहा है, जितना हमें इस शो के लिए मिल रहा है, आई होप वो एपिसोड देखने के बाद भी जारी रहे और दुगना हो तिगना हो जो भी गना गना होता है उतना हो. I swear, जो भी फैंस हमें पैराग्राफ में लिखते हैं इतना टाइम निकाल के अपनी लाइफ से, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. सो बस ऐसे ही प्यार करते रहे और हम जस्टिफाई करें हमारे कैरेक्टर्स एंड प्रोमोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई मीन बहुत ही अलग लेवल फीडबैक है.